चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों तक जो संकेत आ रहे थे उससे लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेंगे। नीतीश लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश पर हमला किया है। सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश की वापसी संभव नहीं है और नीतीश नाक भी रगड़ ले तो बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं लेगी। तो देखिए नीतीश कुमार को लेकर के सुशील मोदी का यह बयान सामने आया है। नीतीश की एनडीए में वापसी के जो कयास लगाए जा रहे थे इस पर क्या कहना है सुशील मोदी का, सुनिए आप। अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ लगे, उनमें बचा क्या है, उनमें ताकत क्या बची है? दो वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी, हमको उनकी आवश्यकता क्या है? खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।